नमस्कार, आप सभी का स्वागत है टीएनपी न्यूज में। मैं हूं आपके साथ निधि उपाध्याय। नजर डाल लेते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों पर। योगी सरकार ने मेरठ जिले में इंटीग्रेटेड कोविड कमांड सेंटर को सक्रिय करने का फैसला लिया है। बता दें कि प्रदेश में एक बार फिर से कोरोना का प्रकोप देखने को मिल रहा है और मेरठ जिले में एक परिवार के 10 लोगों के संक्रमित होने के बाद सरकार ने ये फैसला लिया है। स्वास्थ्य अधिकारियों ने बताया कि जिले में निगरानी टीम को अलर्ट कर दिया गया है। इसके साथ ही पूरे जिले में सघन जांच अभियान चलाया जाएगा। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने महंगाई को लेकर बीजेपी पर हमला बोला है। अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा कि डेटा से पेट नहीं भरता, सस्ता पेट्रोल डीजल गैस दाल चावल घी और आटा भी हो, ना कि केवल डेटा, क्योंकि डेटा से पेट नहीं भरता। सवाल ये है कि जब है भूखे पेट तो क्या करेगा नेट। विदेशों में संपन्न लोगों से ताली बजवाना और देश में आदमी की थाली सजवाना दो अलग अलग बातें हैं। प्रदेश में भीषण गर्मी के बीच लगातार बिजली की कटौती हो रही है, जिसकी वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। और इसी बीच अखिलेश यादव ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर तंज कसा है। बता दें कि सीएम ने बिजली विभाग में सुधार को लेकर बयान दिया था, जिस पर अखिलेश यादव ने कहा कि उत्तर प्रदेश में 5 साल सरकार चलाने के बाद अब सरकार के दिमाग की बत्ती जली कि बिजली विभाग में व्यापक सुधार की जरूरत है। बढ़ते वाली खबर की ओर, ललितपुर रेप मामले में सियासत तेज हो गई है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने इस घटना को लेकर ट्वीट किया है। प्रियंका ने लिखा कि महिलाओं के लिए थाने ही सुरक्षित नहीं, अब महिलाएं शिकायत लेकर कहां जाएं? क्या सरकार ने थानों में महिला तैनाती बढ़ाने पर सोचा है? ललितपुर में नाबालिग से दुष्कर्म के मामले में एक्शन हुआ है और इसी मामले में पाली थाना के पुलिस कर्मियों के खिलाफ बड़ी कार्यवाही की गई है। ये कार्यवाही कानपुर के एडीजी ने की है। उन्होंने पाली थाने के सभी पुलिस कर्मियों को लाइन हाजिर कर दिया है। साथ ही मामले की जांच की जिम्मेदारी झांसी के डीआईजी को सौंपी गई है। पर्यवेक्षण करने वाले अधिकारी हैं एसपी सहित, उनमें उनकी क्या गलतियां हैं, इसके अतिरिक्त एडीजी जोन के द्वारा पूरे थाने के स्टाफ को लाइन हाजिर किया गया है। इसमें जो भी व्यक्ति दोषी है उसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। 3 अभियुक्तों की गिरफ्तारी की जा चुकी है तथा कोई भी अभियुक्त इसमें बख्शा नहीं जाएगा। जेल में बंद माफिया और पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के वकील के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज हुआ है। अंसारी के वकील पर आरोप है कि जमीन की पैमाइश के दौरान राजस्व विभाग की टीम से उन्होंने अभद्रता की और इस घटना का पूरा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसके बाद जिलाधिकारी ने वकील के खिलाफ कार्रवाई की है। किन्नूपुर में गांव सभा की जमीन पर अवैध कब्जे की शिकायत प्राप्त हुई थी। शिकायत के क्रम में एक राजस्व टीम पुलिस बल के साथ दिनांक 2 मई को मौके पर गई थी। मौके पर जांच चल रही थी। जांच के दौरान श्री दरोगा सिंह हैं, इनके द्वारा कुछ अपशब्दों का प्रयोग किया गया माननीय जज महोदय लोगों के खिलाफ, जिसके संबंध में संबंधित थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई इनके खिलाफ। सर आगे की क्या कार्रवाई? आगे भी जांच चल रही, जांच के बाद ही बताया जा सकता है क्या हो सकता है। सर कौन है और क्या करते हैं? दरोगा सिंह अधिवक्ता हैं, वैसे तो दीवानी कचहरी में ही, मऊ में ही। चुनाव के दौरान तो इन्होंने काम किया था, उनके करने आए थे राजस्व निरीक्षक परसों, तो उनके साथ उन्होंने उनके कार्य में बाधा और गाली गलौज माननीय न्यायालय के संबंध में किया था उन्होंने, तो उसी के संबंध में राजेश कुमार सिंह के द्वारा सारा लखनसी थाने में अभियोग पंजीकृत कराया गया। कौन है? वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, आप बने रहिए टीएनपी न्यूज के साथ। के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है टीएनपी न्यूज में। तो चलिए खबरों की ओर रुख कर लेते हैं। अयोध्या में ईद के मौके पर हिंदू मुस्लिम एकता की झलक देखने को मिली है। श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी आचार्य ने बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार के घर पहुंचकर उन्हें ईद की बधाई दी, तो वहीं मस्जिद के पूर्व पक्षकार ने भी पुजारी का स्वागत किया और अक्षय तृतीया की बधाई दी। देखिए अयोध्या है, अयोध्या धर्म की नगरी है। अयोध्या आज पर्व है, भगवान परशुराम का भी जो है आज पर्व है, आज हमारे यहाँ ईद का भी जो है पर्व है। तो इस जो है इस त्यौहार के खुशी के मौके पर, ये अयोध्या साधु संतों की नगरी है,
फकीरों की नगरी है, सिद्ध महापुरुषों की नगरी है। यहाँ से आशीर्वाद लोगों को मिलता रहता है, लोग लेने आते हैं देने। और यहाँ का एक जो परंपराएं हैं कि अयोध्या में सरयू स्नान करने से लोग तन साफ होते हैं, मंदिरों के जो है अयोध्या 5 किलोमीटर की जो धर्म की नगरी है, दर्शन करने से लोगों के मन भी साफ होते हैं। तो आज यहाँ ये जो हमारा त्यौहार है, साधु संतों को भी हमने बुलाया है, कम से कम एक आशीर्वाद मिलता रहे और हिंदू मुसलमान देखते रहें कि अयोध्या नगरी में कोई विवाद नहीं है, किसी चीज़ का कोई मनमुटाव नहीं है, यहाँ सब हिंदू मुस्लिम साधु संत सब एक समान है और लोगों को आशीर्वाद ही देते हैं। नोएडा में ट्रैफिक सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए एक परियोजना की शुरुआत की गई है। परियोजना के तहत प्रमुख चौराहे पर कैमरे लगाए गए हैं और इसके जरिए ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों पर ट्रैफिक पुलिस और नोएडा प्राधिकरण की नजर रहेगी, ताकि शहर में जाम की स्थिति और ट्रैफिक नियमों का पालन ठीक से हो सके। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे पर पर्यटकों से भरी एक बस की कंटेनर से टक्कर हो गई। इस हादसे में 2 पर्यटकों की मौत हो गई, जबकि गंभीर रूप से घायल कई लोगों को अस्पताल में भर्ती भी करा दिया गया है। बता दें कि बस में मौजूद पर्यटक कर्नाटक के हैं, जो कि दिल्ली से होते हुए काशी घूमने जा रहे थे। प्रतापगढ़ पुलिस ने नकली तेल बनाने वाली कंपनी का भंडाफोड़ किया है। बताया जा रहा है कि इस कंपनी में सरसों का नकली तेल और रिफाइंड बनाया जाता था, जिसकी सूचना पुलिस को लगी तो पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए कंपनी पर छापेमारी की और 2 लोगों को मौके से गिरफ्तार कर लिया। और अयर जिले के विदुना में उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक घर से सरकारी अस्पतालों में सप्लाई होने वाली दवाइयों की भारी खेप बरामद की गई। बताया जा रहा है कि ये सभी दवाइयां सरकारी अस्पतालों में बांटी जानी थी। फर्रुखाबाद जिले में एक रोडवेज बस की ब्रेक फेल होने की वजह से अनियंत्रित हो गई और बस ने कई वाहनों को टक्कर मार दी। इतना ही नहीं, इस हादसे में कई दुकानदारों का भी भारी नुकसान हुआ है। वहीं सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बस चालक को हिरासत में ले लिया। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए जेएनपी न्यूज़। नमस्कार।